पीजी, वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। देखिए बहुत से बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आए कि मैम जो अब CSGMU का नया सेमेस्टर प्रणाली लागू हुई है तो इसमें जो 2021 में जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हिंदी में कैसे मैं जानूं, तो उनके लिए ये वीडियो है। और देखिए ये जो है ये आपका ऑफिशियली लेटर है, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ फिर अभी हिंदी में समझाती हूँ। देखिए ये छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर सेमेस्टर वन, और ये आपके पेपर है। बस इन्हीं को मैंने अपनी हैंड राइटिंग में उसको हिंदी में आपको लिख के दिखाया है इधर, ठीक है। सो वो सब चीज़ें हम आपको समझा देंगे। उससे पहले आप सभी के लिए एक ज़रूरी सूचना कि आपके BEd फर्स्ट सेमेस्टर की, या अगर आपकी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर है तो क्लासेस लागू हो गई हैं। इवन जो आपका ये पेपर वन है ना, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, ये कंप्लीट होने पे है। तो इसलिए बिल्कुल भी घबराइए नहीं, टेंशन नहीं लीजिए, आपके सारे पेपर्स पढ़ाएंगे। बस आपको फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। साथ में ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रा एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जो आपके काम के ही हैं, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यदि CSGMU के BEd फर्स्ट सेमेस्टर 2021 की बात करें तो उसके ये आपको इधर कॉलम में मार्क्स दिखेंगे, ये कौन सा पेपर है यानी 1, 2, 3, और ये आपको सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, ठीक, विषय जिन्हें आप कहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये PDF चाहिए, ये PDF चाहिए हिंदी वाली, तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल से हमारे ज्वाइन होना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल आपका PG Point के ही नाम से, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे मिल जाएगा, ठीक। सो आइए शुरू करते हैं। देखिए जो आपका पेपर वन होना है ये आपका कंपलसरी है। कैसा कंपलसरी, मतलब अनिवार्य। अब देखिए जो BA, BSc, BCom, BTech, BCA वाले बच्चों थे उनकी जो टेंशन रहती थी ना कि मैम मैं फर्स्ट ईयर में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करूँ, वो टेंशन आपकी दूर हो जाएगी। कैसे, क्योंकि जो वो पेपर थे ना पेडागोजी वाले वो अब हटा दिए गए हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो। तो पहला जो पेपर होगा वो आपका 80+20 नंबर का होगा, जिसमें क्या है शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। आप सोच रहे होंगे मैम ये तो पहले भी था। हाँ ये पहले भी था, लेकिन अब इसमें कुछ बदलाव हुआ है। पहले आपकी 5 यूनिट थी, अब आपकी 4 यूनिट है, और कुछ टॉपिक्स जो आपके यूनिट 2 में थे वो उठा करके यूनिट 3 में डाल दिए गए। ये सब बदलाव हुए हैं। जब आप नया सिलेबस डिटेल्ड में देखेंगे तब वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अब देखिए पेपर 2 भी आपका 80 नंबर का हुआ है, शिक्षा के समाजशास्त्रीय परिपेक्ष। जो आपकी क्लासेस चल रही हैं वो नए सिलेबस 2021 के अनुसार चल रही हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। रोज़ शाम 5 बजे आपकी एक क्लास हो रही है, ठीक। दिवाली के बाद से आपकी 2 क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अब देखिए तीसरा पेपर आपका 80+20 नंबर का होना है, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, ठीक। ये हिंदी मीडियम वालों का, इंग्लिश मीडियम वालों का इससे पहले एक वीडियो बना चुके हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए आप सोच रहे होंगे मैम ये आपने ग्रीन पेन से क्यों लिखा है। देखिए ये है एक सिस्टम जो जिसमें आपको करना पड़ेगा चूज। लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन। ओके ना, ओके। देखिए एक है ये आपका पेपर 4, आप सोच रहे होंगे ये भी पेपर 4, ये भी पेपर 4 और ये भी पेपर 4। तो देखिए ये है A, ये है B, है ये है C, इन तीनों में से कोई एक चुनना होगा। अब आप सोच रहे होंगे मैम मैं अभी कि मैम मेरा तो BA है या मेरा BSc है या मेरा BCom है, तो मैं इनमें से क्या चूज़ करूँ। कुछ नहीं, आपको बिल्कुल ये ध्यान नहीं देना है। क्यों, क्योंकि ऐसा इसमें कोई लफड़ा नहीं। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में, सॉरी आपके कॉलेज में जो शिक्षक हैं वो समावेशी शिक्षा के सब्जेक्ट के हैं, तो आप समावेशी शिक्षा सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में यदि आपके कॉलेज में मूल्य एवं शांति शिक्षा के शिक्षक हैं तो आप ये सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि इन तीनों में आपको कोई एक सेलेक्ट करना होगा, कोई एक सब्जेक्ट जो है सेलेक्ट करना होगा। और ये आप इसकी भी टेंशन नहीं लीजिए कि मैम मैं कौन सा लूँ, क्योंकि ये जैसे कॉलेज में आपके जो बच्चे होंगे ना फर्स्ट सेमेस्टर के, उन सब का एक ही होगा। ये नहीं कि चिंटू मिंटू ने समावेशी शिक्षा ले लिया, इल्लू गिल्लू ने मूल्य एवं शांति शिक्षा ले लिया, ठीक, और राम श्याम ने ये तीसरा सब्जेक्ट ले लिया। ऐसा नहीं होता है, मतलब हो भी सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ऐसे ही कहते हैं कि एक ही सब्जेक्ट जो होगा वो सबको मिलेगा। मतलब सारे, जैसे आपके मान लीजिए BEd सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में 100 बच्चों का एडमिशन हुआ, मतलब 100 बच्चे आपके ABC कॉलेज से BEd करने जा रहे हैं, तो उन 100 बच्चों में सबको ही समावेशी शिक्षा अगर लेनी है तो सब समावेशी शिक्षा ले लें या सब मूल्य एवं शांति शिक्षा ले लें। अब आप सोच रहे हैं मैम ये हमको कैसे पता चलेगा। इसमें आपको टेंशन लेने की नीड बिल्कुल नहीं है, वो जब कॉलेज वाले ही डिसाइड कर देंगे, ठीक। सो इतनी बात समझ में आ गई, और ये भी टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है BA, BSc, BCom वाली। अब देखिए अब बात करते हैं पेपर 5, 6 और 7 की। ये आपके डिपेंड करते हैं ग्रेड्स पे। किस पे, ग्रेड्स पे, मतलब इनके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, इन पेपर में आपको ABC ग्रेड्स मिलेंगे, ठीक। देखिए अब ये जो
पेपर फाइव होगा, ये होगा आपका व्यक्तित्व विकास, जिसे आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं अंग्रेजी में। ये होगा आपका पेपर सिक्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का, ठीक। उसके बाद में होगा आपका पेपर सेवन, जिसमें आपका संगीत, ड्रामा, क्राफ्ट, योगा और ये सब पढ़ाया जाएगा। सो पूरा ओवरऑल आपका पेपर कितने का हो गया, 450 नंबर का। और उसके बाद में प्रैक्टिकल के कितने नंबर होंगे, 30+20 नंबर, यानी 50 नंबर। सो टोटल कितने होंगे, 450 नंबर। यानी कि जो पेपर पेपर होंगे वो आपके 400 नंबर के होंगे। पेपर 1, 2, 3, 4 में आपको मार्क्स मिलेंगे, बाकी के नीचे जो आपके 5, 6, 7 पेपर है उसमें आपको ग्रेड्स मिलेंगे। 80 नंबर का ये यूनिवर्सिटी से पेपर आएगा, 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा सब में, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बार आपको हम रिवाइज करवा दें कितने पेपर हो गए हैं आपके। देखिए 1, 2, 3, 4 ये ऐसे पेपर हो गए जिनमें आपको क्या मिलेंगे, तो मार्क्स मिलेंगे। और उसके बाद में अब आपके कौन से पेपर बचे, 5, 6 और 7, ठीक है। तो 5, 6, 7 में अब आपको क्या मिलेगा, तो ग्रेड्स मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब आप लोगों का क्या डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और एक बात हम आपको और बता दें कि क्लासेस सेम नए पैटर्न पे चल रही हैं, तो बिल्कुल आप एकदम लग जाइए, क्योंकि अच्छे मार्क्स गेन करने हैं और इन मार्क्स का खेल है। आप सोच रहे होंगे कि मैम TGT में तो क्या इंपॉर्टेंट है, TGT नहीं, लेकिन यदि आप सुपर टेट में बैठते हैं तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो DLED वाले बच्चे हैं नो डाउट उनका परसेंटेज अल्टीमेटली बढ़िया बन जाता है BEd की अपेक्षा यदि बात करें तो, ठीक। और आपके जो भी डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम ये जो फॉर्म फिल किए जा रहे हैं लैपटॉप और टैबलेट योजना वाले, तो उनको भी मैं बता दूँ कि वो कॉलेज से ही फॉर्म मिलेगा, है ना। और अभी उसका कुछ कॉलेज में क्लियर नहीं है, क्योंकि पहले BA BSc BCOM वाले बच्चे बढ़ रहे हैं, ऐसा सीन है, है ना। और बाकी जो भी आपके दिक्कत हैं, डाउट्स हैं, हाँ बच्चे ये आप लोग ये भी कह रहे हैं ना कि मैम नए पैटर्न के अकॉर्डिंग बुक्स या इजी नोट्स कब तक आ जाएंगे। सो देखिए, जो आपके इजी नोट्स हैं ना वो आ जाएंगे जल्दी ही, क्योंकि नए पैटर्न आया है, तो वो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर देंगे तो उनको भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो उसकी आप टेंशन नहीं लीजिए। जैसे ही मार्केट में कुछ नया आया, ठीक है, तो मैं वो भी आपको कोशिश करूँगी कि वीडियो के माध्यम से सूचित कर दूँ, ठीक। BEd की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। और हाँ, वैलिड कमेंट्स किया करिए। वैलिड मतलब अगर आपका क्वेश्चन बहुत अल्टीमेट है कि मैम ऐसा ऐसा होना चाहिए, पता चले जो इस सब्जेक्ट का, जिस टॉपिक का मैं वीडियो पहले बना चुकी हूँ, आपने वीडियो नहीं देखा और आप हमसे एक बार बार पूछ रहे हैं, वो बात है ना। और उसके बाद में आपने वीडियो यही वाला पूरा नहीं देखा और हमसे पूछ रहे हैं फिर से वही बात। सो ऐसा नहीं करिएगा, वीडियो पूरा देखा करिए, चाहे कोई भी हो। और उसके बाद में बस यही कहना चाहेंगे कि आपके जो भी डाउट्स हैं तो लिख दीजिएगा। और हाँ, कमेंट जरूर करने हैं आपको। मान लीजिए आपको ये वीडियो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपको, मेरी सारी बातें समझ में, तो पता है जैसे आपके स्कूल में टाइम में आप जब पढ़ते थे तो टीचर कुछ पढ़ाता था, जब जाता था तो वो क्या आप लोग क्या बोलते थे, थैंक यू बोलते थे या कुछ भी बोलते थे, या नाइस वीडियो बोलिए, कुछ भी बोलिए, अल्टीमेटली कमेंट जरूर करना है। या आप अपनी आदत में डाल लीजिए, सिर्फ मुझे ही नहीं, आपको जिसका वीडियो अच्छा लगे उसको करिए। क्यों? क्योंकि एक यूट्यूबर के लिए यही सबसे वैल्यूएबल चीज़ होती है कि आप उसका वीडियो लाइक करें और कमेंट जरूर करें, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आ रहा है आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, उनके पास अगर ये जानकारी नहीं है तो ज़रूर साझा करिएगा, ठीक। सो ये थी एक छोटी सी जानकारी। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। अपना ध्यान रखिएगा, सबका ध्यान रखिएगा। थैंक यू।